गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो गाइस वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सेलिब्रिटी फोटो एडिटिंग। सो इस सीरीज में हम सेलिब्रिटी का फोटो एडिटिंग करते हैं, जो भी सेलिब्रिटी आप मुझे कमेंट करते हो। सो एपिसोड वन में मैंने विजय मेहर का फोटो एडिटिंग किया था, क्योंकि आप सभी का बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे। सो उस वीडियो में एक बंदा ने ये कमेंट किया था, तो चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने विजय मेहर के इंस्टाग्राम पे गया और मतलब कुछ फोटो को देखा जिसमें मतलब कुछ खास एडिटिंग नहीं थी, तो इसको मैंने चूज किया और इसमें कुछ खास एडिटिंग नहीं है, तो इसको मैं एडिट करूंगा और भाई देखते हैं कि मैंने क्या एडिट किया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे हम नॉट ओनली रियलिस्टिक अनबिलीवेबल रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल टू स्टे नोटिफाइड अबाउट फ्यूचर वीडियोस। और हां गाइस, इससे पहले मैंने रोबोटिक टर्मिनेटर फोटो एडिटिंग किया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाकर देखना, लिंक द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। एंड गाइस माय नेम इज दबा एंड वेलकम टू माय चैनल किंग दबा edits. So guys, without wasting any more time, let's get bloody rolling that intro. Alright guys, तो ये है वो इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्शन बनाएंगे, तो मैं ये पेन टूल से सिलेक्शन बना लेता हूं। सो या गाइज, देख सकते हो हमारा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। सो बैकग्राउंड के लिए मैं इस इमेज को यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर ये ड्रैग कर देता हूँ। नाउ लेट्स फिक्स द पोजीशन, तो इस जगह को मैं हल्का सा क्रॉप कर लेता हूँ एंड या गाइज इट्स ओके। तो अभी ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है। तो इनको रिनेम कर दो तुम, सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। सो गाइज, अभी अपन को सब्जेक्ट और बैकग्राउंड से कलर मैच करना है ना, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्राइटनेस मैच करेंगे। ऑब्वियसली ये कर्व्स लेयर ओपन करके, तो इसको मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली नाइट का सीन है। देन मैं ये एक्सपोजर लेयर ओपन करके इसको मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा इसके ब्राइटनेस को। इसको गाइज मेरे को हल्का सा ब्लूइश करना पड़ेगा। ओके गाइज इट्स परफेक्ट। सो गाइज अभी बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ पिंक लाइट है और यहाँ पर कुछ ब्लू, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ये ऑरेंज, ठीक है। तो इन सभी को मेरे को इनहेंस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिंक वाले को देखूंगा, इसके लिए मैं एक पिंक कलर का सॉलिड कलर बनाऊंगा। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को लीनियर डॉच देन इन्वर्ट दिस। नाउ टेक दिस ब्रश टूल, उसके बाद ये धीरे धीरे से तुम ग्लू ऐड कर दो, ठीक है गाइज। अभी एक और सॉलिड कलर बनाओ ब्लू कलर का, लीनियर डॉच देन ये ब्रश टूल से इन जगह पे तुम ये हल्का हल्का ऐसे ग्लू ऐड करो, ठीक है। इसके आगे भी तुम ऐसे हल्का हल्का ऐड कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ, और गाइज इन जगह पे भी हल्का हल्का ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू लाइट है। गाइज अभी एक और सॉलिड कलर बनाओ ऑरेंज कलर का, ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉच, और गाइज यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट है तो यहाँ पर ऑरेंज ग्लू ऐड कर दो, और गाइज इन जगह पे मैं पिंक ऐड कर दूंगा हल्का हल्का। सो गाइज अभी अपन को हाईलाइट ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिंक हाईलाइट बनाएंगे, तो इसके लिए पिंक कलर का सॉलिड कलर बनाओ, ठीक है। देन इसको तुम ये क्लिप कर दो, हल्का सा ब्लेंडिफ कर लो, देन इसको ओके, देन नेगेटिव मास्क, देन इन्वर्ट दिस, ठीक है। तो अभी ये ब्रश टूल से तुम हल्का हल्का हाईलाइट ऐड कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ से ग्लो आ रहा है। और गाइस अभी एक ब्लू कलर का सॉलिड कलर बना के यहाँ पर हाईलाइट ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर हल्का सा ऑरेंज शेड करना पड़ेगा, और यहाँ पर पिंक, ठीक है। मल्टीपल हाईलाइट होंगे यहाँ पर, तो इसी टेक्निक से मैं यहाँ पर भी बना लूंगा, हल्का सा ब्लेंडिफ कर लूंगा। देन ये ब्रश टूल से तुम हल्का हल्का हाईलाइट ऐड कर दो, ठीक है। देन एक और सॉलिड कलर ऑरेंज कलर का, एंड नाउ गाइस एक पिंक कलर, ठीक है। देन आई विल ब्लेंडिफ दिस लेयर टू। देन गाइज मैं एक सॉलिड कलर बना के सभी हाईलाइट को मैं इनहेंस कर दूंगा। देन गाइज मैं एक सॉलिड कलर बना के यहां पर ये धीरे धीरे से पेंट कर दूंगा, जिससे कि मतलब ये लाइट और ज्यादा इनहेंस हो जाए। सो सेम टेक्निक से मैं यहां पर ये ब्लू लाइट का बना लूंगा। देन गाइज मैं ये सेम लाइट बिहाइंड में ऐड कर दूंगा, जिससे कि मतलब एक लाइट बाउंस मिले। सो गाइज अभी मैं बैकग्राउंड को ब्लर कर दूंगा फॉर द डेप्थ ऑफ फील्ड, तो मैं ये टिल्ट शिफ्ट ब्लर कर दूंगा। देन ओके, सो या गाइज आई थिंक इट्स परफेक्ट। तो फाइनल टचअप के लिए मैं स्मोक ऐड कर दूंगा, एकदम हल्का हल्का ऐड करूंगा, ठीक है, एकदम हल्का हल्का। सिर्फ हथौरे में नहीं, इसको चलने वाले में भी है एकदम। देन गाइज मैं इस इमेज को ग्लास के रिफ्लेक्शन में ऐड कर दूंगा, मेरे को इसको हल्का सा ब्लर करना पड़ेगा, तो मैं इसको रख दूंगा अराउंड 30, नहीं आई गेस। सो या गाइज आई थिंक 60 इज परफेक्ट। सो गाइज अभी मैं हल्का हल्का पार्टिकल्स ऐड कर दूंगा, पिंकिश कर दूंगा इसके कलर को।
अबे कुछ हो क्यों नहीं रहा? आ या कलर आइज, देन इसका ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन, देन इन्वर्ट दिस, देन ये तुम ब्रश टूल से तुम हल्का हल्का ऐसे पार्टिकल्स ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो गाइस सेम मेथड यूज करके मैं इन जगह पे भी ऐड कर दूंगा। देन ओके गाइस, तो अभी मैं कैमरा रॉ फिल्टर यूज करूंगा और इन सभी स्लाइडर्स को मैं एडजस्ट करके देखूंगा जब तक मुझे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। देन ओके गाइस, देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, टाटा मेरी जान, कीप एडिटिंग, बी ए किंग।